सबको हैप्पी क्रिसमस। एक दूसरे को ग्रीट करें, एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे को बोलें और क्रिसमस के बारे में उन हैप्पी क्रिसमस बोलें, बधाई दें एक दूसरे को। सब जन एक दूसरे को बोलें हालेलुया। जब जेन्युइनली आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप बदल जाते हैं। लिखा है जक्कई जो एक चोर था, एक वो टैक्स कलेक्टर था। मैं उसे चोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसकी आदतें ऐसी थी। क्योंकि जब उसने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया, बोला परमेश्वर जिसका मैंने फालतू ले लिया, चोरी करके लिया, गलत तरीके से उसको मैं वापस देता हूं चार गुना, और मैं अपनी आज की प्रॉपर्टी मैं गरीबों को देता हूं, उन्हें बांटता हूं, क्योंकि उसके जीवन में सचमुच क्राइस्ट ने जन्म लिया था। जेन्युइनली उसने एक्सेप्ट किया था। क्रिसमस मनाने का फायदा आपको तब है अगर आपके दिल में यीशु मसीह है। आपके दिल में क्राइस्ट है या नहीं, आपके दिल में यीशु मसीह है या नहीं, अगर है तो आपको वो आप बदल चुके हैं, आप जेन्युइनली बदल जाएंगे। जक्कई की तरह, मत्ती की तरह, पीटर की तरह, वो पत्रस जो गुस्से वाला इंसान था, वो पत्रस जो जिसने एक तलवार लेके कान काट दिया, उसने कान नहीं काटा था, उसने सिर पे मारा था उसे मारने के लिए, लेकिन वो कान पे लग गया और कान कट गया। बाइबल में लिखा वो बदल गया, और जब वो असली रीति के साथ बदला तो लोगों से और विरोधियों से उसने मार खाई, और मार खाने के बाद आनंदित होकर ये बोलता है कि ओह कितना आनंदित हूं मैं आज कि यीशु मसीह के कारण मैं मार खाने योग्य तो ठहरा। परमेश्वर ने उसे बदल दिया। जब क्राइस्ट आपके जीवन में जन्म लेते हैं, आप जेन्युइनली जन्म लेते हैं, आप बदल जाते हैं। बाइबल में लिखा उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ, उसका नाम यीशु रखना स्वर्गदूत ने बोला, यानी वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 38 साल के रोगी की ओर देखो, बाइबल में लिखा जब वो बीमार था और यीशु मसीह उसके पास आके बोलते क्या तू चंगा होना चाहते हैं, कहता परमेश्वर मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मुझे चंगा करे, जो मुझे इस पुल में इस कुंड में उतारे, जो स्वर्गदूत पानी को हिलाते, मैं जब वो कोई हिलाते हैं, जब कोई बीमार उतरता तो मेरे से पहले सब बीमार उतर जाते हैं, मैं उन बीमारों में नहीं हूं जो पहले उतरे, मैं उन बीमारों में जो यहां बैठा है 38 साल से वेट कर रहा है कि कब मैं जाऊं और चला हूं। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा अपना बिछोड़ा उठा और चला जा और खड़ा हो जा। और बाइबल में लिखा जब भीड़ ज्यादा थी, यीशु मसीह वहां से हट गए और वो 38 साल का रोगी चंगा होके उसको उसके भवन में मिला, और यीशु मसीह ने उससे कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरे जीवन में आए। वो व्यक्ति जानता था पाप क्या है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको पाप की पहचान नहीं थी, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको पाप के बारे में पता नहीं था, वो जानता था ये चीज रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो करता था, इसीलिए वो बीमार था। यीशु मसीह ने कहा अच्छा है तू चंगाई ना ले, इससे 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 कि तू चंगाई लेके उसे गवा दे, इसे फिर से पाप मत करना, ऐसा ना भारी मुसीबत तेरे जीवन में आए। अभिषेक गवाने से ना लेना अच्छा है, चंगाई गवाने से चंगाई ना लेनी अच्छी है, बरकत गवाने से बरकत ना लेनी अच्छी है। जो बरकत, जो चंगाई, जो अमीरी, जो तरक्की, जो अभिषेक उसके वचन के द्वारा मिलता है, उसके वचन पे खड़े रहने से ही संभाला और खड़ा रखा जा सकता है। हालेलुया। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जानता नहीं था, वो ऐसा व्यक्ति था जो जानता था पाप किसे कहते हैं, वो जानता था रॉन्ग किसे कहते हैं, गलत किसे कहते हैं, फिर भी उसने किया और यीशु मसीह ने कहा फिर से मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत है जीवन में आए। यीशु मसीह ने उसकी बीमारी के रूट पे अटैक किया, उसकी बीमारी की जड़ पे अटैक किया, उसकी प्रॉब्लम की जड़ पे अटैक किया, उसकी जड़ पाप था। अपने पड़ोस से बोलो उस रोगी की जड़ पाप था। यीशु मसीह ने कहा फिर से रॉन्ग मत करना, फिर से पाप मत करना। यीशु मसीह उस ऐसे व्यक्ति को पाप के बारे में नहीं समझा रहे थे जो पाप के बारे में जानता नहीं था, वो ऐसे व्यक्ति को समझा रहे थे जो पाप के बारे में जानता था, जो जानता था पाप किसे कहते हैं, जो जानता था सही किसे कहते हैं और गलत किसे कहते हैं, वो जानता था गलत करने के कारण उसके जीवन में बीमारी है। और यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा होने के कारण मेरा नाम यीशु है, यानी पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर, पापों से छुड़ाने वाला, इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे संग, पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे संग। अगर उसने आपको छुड़ा दिया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी बीमारी, इससे भारी मुसीबत, इससे भारी गरीबी, इससे भारी दुष्ट आत्मा तुम्हें तंग करें।
इससे अच्छा वो चंगाई ना लो, इससे अच्छा वो बरकत ना लो, इससे अच्छा उसको गवाने से। ईश्वर ने उसके जड़ पे अटैक किया, पाप उसकी जड़ था। अगर पाप लोग भूल जाएं, बीमारियां भूल जाएंगे, लेकिन कुछ बीमारियों को परमेश्वर धर्मी के जीवन में भी इस्तेमाल करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, परमेश्वर के करीब लेके जाने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए कि जहां कोई रास्ता है वो रास्ता निकालने की ताकत को रखता है। हालेलुया। याद रखो यीशु मसीह इसलिए आए कि आपको पाप से छुड़ा सके। आप जब पाप से छूटेंगे, लेकिन आप बीमारियों से छूट जाएंगे। यीशु मसीह ने उसके पापों को माफ किया और उसकी बीमारी खत्म हो चुकी थी। और यीशु मसीह ने कहा फिर से पाप मत करना। वो जानता था पाप किसे कहते हैं, वो जानता था अगर ये बीमारी पाप के कारण मेरे जीवन में अब ये जा चुकी पाप के कारण फिर आ सकती है। यीशु मसीह का ऐसा हो कि इससे भारी मुसीबत। यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी फिर वापिस ना आए। यीशु मसीह ने कहा जब ये वापिस आएगी तो और भारी तरीके के साथ आएगी, यानी इससे भारी मुसीबत जीवन में आए। जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकल जाती, लिखा जब उसको योग्य नहीं पाती, सात गुना ताकत के साथ वो वापिस आती। परमेश्वर ने चाहता हम फंसे, शैतान चाहता हम ना इधर के ना नारे उधर के। वो चाहते हम पाप में फंसे और परमेश्वर की योजनाओं को कभी देख ना पाए और लोग हंसे और कहे कि इसका परमेश्वर कहां है जो उसको लेके गया था वायदे के साथ कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आजाद करूंगा, ब्लेस करूंगा। अपने आप को देखो क्या आपने उनके उनके वचनों को पूरा किया, क्या आप पाप से दूर हैं। अगर पाप से आप दूर हैं तो धीरे 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 आपकी वो बीमारी आपको परमेश्वर के करीब और आपको स्ट्रॉन्ग और आपको सामर्थ्य कर देगी। हालेलुया। यीशु मसीह आपको समझ देने के लिए आए। अब गरीबी और अमीरी लक नहीं रह गया, भाग्य नहीं रह गया, चुनाव रह चुका है, चुनाव रह चुके हैं। परमेश्वर के द्वारा चुना जाना ये आपका चुनाव है, आशीष पाना ये आपका चुनाव है, सामर्थी होना आपका चुनाव है, अपने आप को सफलता में हर वक्त देखना और सफलता में चलना ये आपका चुनाव है। परमेश्वर की ओर देखना ये सोच के कि वो कुछ करें ये एक अज्ञान है। बाइबल में लिखा उसने आखिरी शब्दों को क्रूस पे बोला, कहा पूरा हुआ, मैंने तेरे कामों को पूरा कर दिया, तेरी गरीबी के कामों को, मैंने तेरी गरीबी को खत्म करने के लिए सब कामों को पूरा किया, तेरी बीमारी को खत्म करने के लिए मैंने सब कामों को पूरा कर दिया, तेरी निराशा को खत्म करने के लिए मैं क्रूस पे चढ़ाया गया, अब तो विश्वास कर, अब तो अगर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। बाइबल में लिखा वो सब कुछ पूरा कर दिया उसने, अब जरूरत है बाइबल को पढ़ने की, अब जरूरत है देखने की उसने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है, ऑलरेडी उसने क्या क्या कर दिए हैं, अब जरूरत है वचनों की गहराई में जाने की कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है। हालेलुया। अब कुछ भी परमेश्वर के हाथ में नहीं, अब आपके हाथ में। आप जब अपना पार्ट पूरा करेंगे परमेश्वर अपना पार्ट पूरा करेंगे, जब आप अपना हिस्सा अदा करेंगे परमेश्वर अपना हिस्सा अदा कर देंगे। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते और परमेश्वर अकेले भी आपके जीवन में कुछ नहीं करेंगे। आपको बीज दिया गया बोने के लिए। बाइबल में लिखा उस दानियल ने बीज को बोया, उसका बीज था 21 दिन की रोजा प्रार्थना, उसकी उसका बीज था परमेश्वर के सामने एक एग्रीमेंट में जाना और रोजा प्रार्थना में जाना। और लिखा पहले दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो बीज बोलता है। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो बीज बोलता है, बीज बोलता है, बीज बोलता है। जब आप एक बीज को बोते हैं धरती पे, आपको लगता नहीं कि ये छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा आम का, लेकिन वो आम का बीज बोलता है और वो पेड़ बनता है। हालेलुया। बीज बोलते हैं और बाइबल बताती है आपको वो हर एक बीज दिया गया है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से उन आशय को ले सकते हैं। आपको हर प्रकार का बीज दे दिया गया है कि आप उसको बोएं और आशीषित हों। आप प्रार्थना के बीज को बोएं और सामर्थ्य हों।
आपको बीज दे दिया गया है। ऐसा इस दुनिया में, इस चर्च में और पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्रिश्चियन नहीं है जिसको परमेश्वर ने बीज नहीं दिया। बोना आपकी जिम्मेवारी है। बाइबल में लिखा है दानियल ने उस बीज को बोया, 21 दिन उसने रोजा और प्रार्थना के बीज को एग्रीमेंट के साथ परमेश्वर के सामने गया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने पहले दिन स्वर्गदूत को भेजा। वो बात अलग है कि वो 21वें दिन उसके पास आता है, लेकिन उसकी प्रार्थना का जवाब आता जरूर है। उसके बीज, उसका बीज बोलता है हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा जितना बोएगा तो उतना काटेगा, तुझे सामर्थ चाहिए, मेरी हजूरी में आ, प्रार्थना में जा, विश्वास में बना रहे, विश्वास के बीज को बो और वो तेरे लिए बोलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब मेरे लोग नम्र होकर मेरे सामने आएंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, वो दीन होकर मेरे सामने आएंगे। और बाइबल बताती है उपवास रखना अपने आप को दीन करता है, एक व्यक्ति को दीन करता है। रोजा रखना, फास्ट करना एक व्यक्ति को दीन करता है जब वो परमेश्वर के सामने फास्टिंग में जाता है। अपने शरीर को बाइबल में लिखा अपनी सोल को दुख अफ्लिक्ट कर और मेरे सामने आ, ताकि मैं तेरी प्रार्थना को सुनूं, ताकि मैं तेरे उस बीज को, उस बीज को फलवंत करूं जो मेरे सामने बो रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा उस निन्ने के लोगों ने परमेश्वर के सामने 3 दिन 3 रात का एक बीज बोया, 3 दिन और 3 रात उन्होंने उपवास रखा। बाइबल में लिखा उन्होंने उपवास रखा और अपने दूध पीते बच्चे को भी उन्होंने पानी मुंह नहीं लगाया, अपने पशुओं को भी पानी मुंह नहीं लगाया। और बाइबल में लिखा 3 दिन रात वो परमेश्वर के सामने टाट उड़ के रोते रहे और परमेश्वर क्षमा मांगते रहे। और बाइबल में लिखा परमेश्वर जो उन लोगों से नफरत करता था और ये पापी लोग थे, परमेश्वर ने उनको मारने की बजाय उनको ब्लेस किया और बोला इन लोगों ने मन फिरा लिया, इन्होंने बीज को बोया, मैं इनके बीज को फलवंत करूंगा। अगर परमेश्वर उस पापी नीनवे को इतना ध्यान से सुनता है जब वो बीज को बोता है, आपको और मुझको वो क्यों करना देगा, आपकी और मेरी वो क्यों करना सुनेगा। आप और मैं जो उसके खास लोग हैं, आप और मैं जो उसके अपने खून से खरीदे गए लोग हैं, आप और मैं जो उसके अपने खून से परचेज किए हुए लोग हैं, वो हमारी और आपकी क्यों ना सुनेगा। हालेलुया। आप जो उसके खून से खरीदे हैं, स्पेशल 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 प्राइस देके परमेश्वर ने आपको खरीदा है, जब आप उस बीज को बोएंगे तो वो आपकी क्यों करना सुनेगा। आज का टॉपिक उपवास है। वो बीज जो उपवास के साथ हम बोते हैं। बाइबल में लिखा इज़रा ने बाइबल परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर के लिए, ओ परमेश्वर के लोगों के लिए वो रोता है। नहेमिया जाता है, उसके लोग जाते हैं। लिखा शाउल और बरनबास को जब अलग करना था तो रोजे रखे गए और उपवास प्रार्थना की गई और परमेश्वर के सामने वो गए और उस बीज को बोया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। अगर परमेश्वर नीनवे के लोगों की प्रार्थना को सुन सकता है जब वो उपवास के साथ सच्चे मन से मन फिरा के उसके सामने जाते हैं, आप और मेरी वो क्यों करना सुनेगा। आप और मेरे, आपके और मेरे बीच क्यों करना फलवंत होंगे। बाइबल में लिखा वो बोने वालों को बीज देता है, फसल नहीं देता, वो बीज देता है। जब आप उस थोड़े टाइम को परमेश्वर में बोते हैं, आप काटते हैं, आप जो प्रार्थना में जाते हैं अपने टाइम के बीच को बोते हैं, आप काटते हैं सामर्थ को परमेश्वर के सामने। जब आप उपवास में जाते हैं, लिखा रोते और पीटते हुए अपने कपड़ों को, अपने मन को फाड़ के मेरे सामने आओ। लिखा अपने आप को दीन करते हुए मेरे सामने आओ, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और बाइबल में लिखा जब नींद में के लोग टाट ओढ़ के परमेश्वर के सामने जाते हैं, यीशु मसीह ने मती में बोला एक कपटियों की तरह उपवास मत रखो। जो उपवास रखते हैं उनके मुंह पे उदासी छाई रहती है, ताकि जब लोग पूछे क्या हुआ, आज रोजा रखा मैं, आज मैं रोजा रखा। बाइबल में लिखा जब तुम फास्ट करो तो चमकते रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुमने फास्ट रखा है। तुम्हारा बीज गुप्त में तुमने बोना है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह मत करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कुछ लोग फास्ट करते हैं सामर्थ को पाने के लिए, अभिषेक को पाने के लिए, लेकिन मन को फिराते नहीं, अपने आप को दीन नहीं करते। और बाइबल कहती है दाग का नया रस नई मशकों में भरा जाता है।
जब वो नया रस, वो नई आशीष इस पुरानी मश्क में आएगी, दोनों फट जाएंगे। 40-40 रोजे लोगों ने रखे और वो मर गए 40 रोजों में। ऐसे लोग मैंने देखे पास्टर। आप 40 रोजे प्रभु की नकल करके रख सकते हैं, पानी पे क्यों नहीं चलते आप? यीशु मसीह की तरह पानी पे क्यों नहीं चलते आप? उपवास इसलिए हम रखते हैं ताकि परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर सकें, अपने शरीर को, बॉडी को सबमिट कर सके, समर्पित कर सके, परमेश्वर के सामने जा सके, पाप की प्रभुता हम पे कम हो, हम अपनी बॉडी को अपना बॉस नहीं, अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा को अपना बॉस बनाने के लिए फास्ट करते हैं, परमेश्वर के करीब जाने के लिए फास्ट करते हैं, ना कि केवल सामर्थ पाने के लिए। कुछ लोग फास्ट रखते हैं, उनकी बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है, वो प्रचार करने योग्य भी नहीं रहते। हालेलुया। जब आप बीज को बोते हैं, यानी आप जब दीन होने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए, उसकी बातों, उसकी व्यवस्था को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को, उसकी योजनाओं को समझने के लिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ सामर्थ पाने के लिए। वो सामर्थ देता है उपवास में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह भी लिखा है बाइबल में, दाग का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। जब दाग का नया रस पुरानी मशकों में भरते हो तो मशकें फट जाती हैं और दाग रस बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तुम बीज को बोते हो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, जब तुम उपवास के साथ परमेश्वर के सामने जाते हो वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देते हैं जो तुम्हारे लिए चमत्कार का कारण ठहरता है। हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ बीज, सिर्फ पैसे को बोलते हैं कि पैसा बो, पैसा काटो। सिर्फ पैसा बीज नहीं है, वो कुछ बीजों में एक बीज है, उपवास भी एक बीज है, प्रार्थना भी एक बीज है, अपना टाइम परमेश्वर में बोना भी एक बीज है, जिसे आप काटते हैं अच्छे टाइम के रूप में जब आप बोते हैं। हालेलुया। एक बार एक भविष्य रखता था, आज भी वो जिंदा है और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। एक दिन परमेश्वर ने उन्हें बोला कि थोड़े दिन में तेरा एक्सीडेंट होगा और तू मर जाएगा, अपनी तैयारी कर। पवित्र आत्मा ने उनकी मदद की, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। उन्होंने बड़ी अमाउंट परमेश्वर के सामने जाके उसके अल्टर, उसकी वेदी पे रखी और कहा, परमेश्वर अगर मेरी प्रार्थना तुझे सुनती नहीं, मेरा बीज मेरे लिए बोले। हालेलुया। बिना विश्वास आप बीज नहीं बो सकते, आप प्रार्थना में नहीं जा सकते, आप रोजों में नहीं जा सकते, आपको इतनी भूख लगेगी कि आप रोजे रख नहीं पाएंगे। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है, बाइबल में लिखा है। आपका बीज आपके लिए बोलता है हमेशा, आपका सीड आपके लिए बोलता है हमेशा, और आज वो जिंदा है, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, परमेश्वर ने उनके फेथ पे, उनके विश्वास पे उन्हें उत्तर दिया। आपका बीज आपके लिए बोलता है जब आप बोते हैं। कई बार प्रार्थनाएं वो काम नहीं करती जो बीज काम करता है। तो वो उपवास के साथ लिखा, रोते और पीटते हुए अपने मन को फाड़ के मेरे सामने, यानी अपने आप को दीन करते हुए जब तू मेरे सामने आएगा। बाइबल में लिखा जब दानियल ने अपने आप को दीन किया, समझने और बूझने को मन लगाया, समझने और बूझने को, यानी परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके हार्ट को, उसके दिल को समझने में उसने मन लगाया। कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं चाहते। कुछ लोग उसकी उसकी आशीष को चाहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को समझना नहीं चाहते, उसके हार्ट को, उसके दिल को समझना नहीं चाहते। परमेश्वर ने किस लिए आपको अपने पास बुलाया, वो उस योजना को समझना नहीं चाहते। हालेलुया। जब आप उपवास और प्रार्थना में जाते हैं, अपने बीज को परमेश्वर के सामने बोते हैं, कई बार आपका बीज बोलता है परमेश्वर के सामने। आपका बीज ये दिखाता है कि आप में कितना विश्वास है,
आपका बीज ये बताता है आप में कितना विश्वास है। जब मैं मसीह में आया, लगातार परमेश्वर ने मुझको हर तरह का बीज बोने के लिए बोला। आज वो बीज मेरे लिए बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। हालेलुया। क्यों ना आपका बीज आपके लिए बोले, आपका बीज ये बताया आप कितने फेथ में, कितने विश्वास में। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बीज बोलता है, फिर से कहो को बीज बोलता है। यस, आपका बीज आपके लिए बोलता है। जब एक छोटे से बीज को बोया जाता है, लगता नहीं कि इतना बड़ा पेड़ बनेगा, लेकिन जब वो बनता है तो हम हैरान नहीं होते। उसी तरह जब हम बीज को बोते हैं मसीह में, जब वो फलता है, आज वो बीज फल चुके हैं जो मैंने बोए थे, आज उन फसल को मैं काट रहा हूं जो मैंने बोई थी, आज मैं हैरान नहीं हूं, बल्कि ये सुन के आनंदित और खुश हूं। परमेश्वर के वचनों को पूरा होते मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, अपने जीवन में पूरा होते अपनी आंखों से देख रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझमें की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, मुझमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मुझमें बोया गया वो प्रार्थना का बीज व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा हूं। हालेलुया। जो आप लगातार प्रार्थना में जाते हैं, लगातार बीज को बोते रहते हैं, प्रार्थना के उस बीज को जो परमेश्वर आपको बोलते हैं, एक दिन आता जब आप फसल को काटते हैं, इतनी फसल को काटते हैं कि रखने के लिए जगह आपके पास नहीं रहेगी, बाइबल ये कहती। हालेलुया। क्यों ना हमारा जीवन बोले परमेश्वर को, हमारा मुंह बोलने के बजाय हमारा जीवन परमेश्वर को बोलना चाहिए, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए, हमारा बीज परमेश्वर को बोलना चाहिए कि हम कितने विश्वास में हैं या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे कुछ भी छुपा के नहीं रखा, उसने आप पे छोड़ा है, उसने आप पे रखा है। अगर मैं रोता रहता परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे सामर्थ दो, मुझे सामर्थ दो, मुझे सामर्थ दो, तो वो रोना एक बेवकूफी है अगर मैं प्रार्थना ना करूं, अगर मैं रोजों में ना जाऊं। परमेश्वर मुझे अमीर करो, परमेश्वर के भवन में उसके कामों के लिए मैं पैसा ना बहूं, तो बेवकूफी है बोलना परमेश्वर मुझे अमीर कर। उसने आपको बीज दिया बोने के लिए ताकि आप कभी कलेश में ना रहें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसको उसने बीज नहीं दिया। हालेलुया। क्यों ना हमारा बीज हमारे लिए बोले, हमारा बीज ये बताए कि हम विश्वास में हैं या नहीं, हम फेथ में हैं या नहीं। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से बोलें।